हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो भाई लोगों, यार क्या बोलूँ मैं यार, कंप्लेंट्स आती रहती हैं जिस बाइक को भी मैं छोड़ देता हूँ। जैसे मीटियोर के वीडियोस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो क्लासिक वाले भाई कंप्लेन करते हैं, क्लासिक वाले भाइयों की कुछ सुनता हूँ तो स्टैंडर्ड वाले कंप्लेन करते हैं, और स्टैंडर्ड वालों की सुनता हूँ तो हंटर वाले कंप्लेन करते हैं। तो यार एक काम करूँगा, आपसे एक चीज़ सोची है कि सारी बाइकों के ऊपर वन बाय वन सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 350 के बारे में, और उसकी सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दर्द, और उसका सल्यूशन क्यों नहीं है, और अगर क्यों नहीं है तो वाकई में जो सल्यूशन अवेलेबल है वो लेने चाहिए या नहीं। तो आज इसी वीडियो के ऊपर करेंगे पूरी बात। लेकिन उससे पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, स्टैंडर्ड 350 का जब से नेक्स्ट जनरेशन अवतार आया है तब से थोड़ी सी समस्या दूर हो गई है इस गाड़ी की, लेकिन ये उनके लिए दूर हुई है जिनके पास डुअल डिस्क वाली गाड़ियां हैं, यानी कि डुअल चैनल एबीएस वाली गाड़ियां हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं पे एक थोड़ी सी समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन जिनके पास भी सिंगल चैनल एबीएस वाली गाड़ियां हैं उनके लिए समाधान बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है अलॉय व्हील्स। तो अब देखिए, मैंने आपको अलॉय व्हील्स क्लासिक के बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन में लगा के दिखा दिए। मीटियोर 350 के भी टायर्स आपको बुलेट 350 में लगा के दिखा दिए, और बहुत ही एक अमेजिंग सा लुक आया, क्योंकि आगे के टायर और पीछे के टायर में थोड़ा सा साइज का फर्क था, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक बहुत ज़बरदस्त बन गया था, जिसे कहते हैं स्टैंड्स बहुत ज़बरदस्त बन गया था। अब मेरे पास सवाल आ रहे थे दोस्तों के कि जिनके पास सिंगल चैनल एबीएस है वो क्या करें। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल चैनल एबीएस के लिए अभी तक रॉयल एनफील्ड ने कभी भी कोई भी अलॉय व्हील नहीं निकाला है, और वो एक बहुत लॉजिकल स्टेप है कि वो उन्होंने क्यों नहीं निकाला है। अब आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप समझ पाएंगे कि रॉयल एनफील्ड ऐसा क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं आप लोगों के लिए अलॉय व्हील का ऑप्शन दे रही है। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जो डिस्क बेस्ड गाड़ियाँ हैं, यानी कि जिसमें आगे भी डिस्क ब्रेक है और पीछे भी डिस्क ब्रेक है, उसमें क्या होता है कि जब भी ब्रेक से रिलेटेड कोई पार्ट चेंज करना होगा, जैसे कि आपका ब्रेक पैड हो गए, वो घिस गए हैं तो चेंज कर दीजिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्क प्लेट घिस जाएगी तो बोल्ट खोलिए और चेंज कर दीजिए। लेकिन सिंगल चैनल एबीएस वाली गाड़ी में क्या है, पीछे आता है ड्रम ब्रेक। अब ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है कि अलॉय के अंदर ही उसका ड्रम इनबिल्ट है, और जो ब्रेक शू होता है वो कुछ इस तरीके से खुलता है और वो अलॉय पे रब करके ही ब्रेक लगाएगा। अब टेक्निकली बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और अलॉय आ सकता है, लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं ना वो ख़राब हैं। अब आप बात करोगे कि किस तरीके के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अब देखिए, अभी इस समय क्या है कि जो सेंटर हब आता है, जो सिंगल चैनल एबीएस में जो पीछे वाले ब्रेक का जो ड्रम आता है वो 400-500 रुपए में आ जाता है। लेकिन अब क्या होगा, अगर यही चीज़ अलॉय व्हील में आएगी तो वो सिर्फ ड्रम चेंज नहीं हो सकता, वो पूरा आपको अलॉय चेंज करना पड़ेगा, और अलॉय जब आप चेंज करोगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी। अब आप देख रहे हैं नॉर्मल अलॉयस का जो सेट है ये तकरीबन 16,000 रुपये का है। तो अगर 16,000 रुपये के सेट में मैं कहता हूँ आपने सिर्फ पीछे का अलॉय भी लिया तो भी तो 8,000 रुपये का हुआ ना बॉस। तो आप समझिए
यहाँ पे आप चेंज कर रहे हैं एक 500 रुपए का हब और आपका ब्रेक फिर से चकाचक हो गया। अब यहाँ पे उस 500 की जगह आपका खर्चा हो गया 8,000 रुपए का। और क्योंकि अब आपका हब जब कटेगा, यानी कि जो ब्रेक के ऊपर जो ड्रम होता है, क्योंकि वो अलॉय में इनबिल्ट आएगा, तो जब वो कटेगा तो आपके पास ऑप्शन तो होगा नहीं कुछ और करने का, तो आपको मजबूरी में वो पूरा अलॉय ही चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट 500 है वो 500 से निकल के 8,000 पहुंच जाएगी, जो कि अगेन बहुत ज्यादा है। अब आफ्टर मार्केट ऑप्शंस आपको लेने चाहिए कि नहीं, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आफ्टर मार्केट ऑप्शंस। आप एक पहले वीडियो मेरा देख चुके हैं, आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ बाइक्स में लगाने के लिए। रीजन बीइंग, रॉयल एनफील्ड इज अ प्रिटी हैवी बाइक, काफी हैवी क्वालिटी की बाइक है, और आफ्टर मार्केट में ना तो कोई क्वालिटी कंट्रोल होता है, ना ही कोई क्वालिटी चेक्स होते हैं, और उन अलॉय व्हील्स का ऊपर वाला ही मालिक होता है। तो मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि आप आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील बिल्कुल भी मत लगाइए। अब आफ्टर मार्केट वाले आपको सिंगल चैनल के लिए अलॉय व्हील क्यों देते हैं? देखिए, आपने आज आफ्टर मार्केट वाले के यहाँ से अलॉय व्हील लगवा लिया, आप उसकी दुकान से उतर गए, ट्रस्ट में उसे कोई फर्क नहीं है आप दोबारा उसके पास आओगे या नहीं आओगे। रीजन भी, उसका माल तो बिक चुका है, लेकिन जब आप किसी ब्रांड के साथ कनेक्टेड होते हो तो ब्रांड के साथ आती है एक आफ्टर सेल सर्विस, ब्रांड के साथ आती है एक रीजनेबल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड, जो अब आप समझिए स्टैंडर्ड नॉन एबीएस जो है, वो तकरीबन वन ऑफ द लोएस्ट प्राइज्ड मॉडल्स में आती है। अब आप डुअल डिस्क भी नहीं होता है, सिंगल चैनल एबीएस होता है, सेल्फ स्टार्ट भी अब आने लगा है जब से जे सीरीज इंजन आया है, वरना सेल्फ स्टार्ट भी नहीं आता था इसमें। तो अब क्या है कि एक बाइक जिसकी कॉस्टिंग कम है, अब अगर उसको मेंटेन करने की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे कस्टमर एक्सपीरियंस हैम्पर होगा। तो यही वो रीज़न है कि रॉयल एनफील्ड कभी भी इसमें सिंगल चैनल के अलॉय व्हील्स अब तक लेकर के नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे रॉयल एनफील्ड एक चीज़ इंट्रोड्यूस ज़रूर कर सकती थी, जो कि है ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स। लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही हो जाती, प्रॉब्लम यह होती कि जब ये आपका ड्रम घिसता, जब आप इसको चेंज करवाने के लिए जाते, या फिर वो स्पोक्स खोल करके ड्रम चेंज होता, तो फिर से वो ट्यूबलेस दोबारा करने में प्रॉब्लम आनी ही आनी थी। तो कंपनी ने बहुत सोच समझ के इसमें अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं दिया है। तो मैं अपने उन सारे भाइयों से कहना चाहूँगा कि देखो, आफ्टर मार्केट के पीछे आप बिल्कुल मत जाओ। जो व्हील्स आपको दिए हैं ये भी इक्वली गुड हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी के अगर आप टायर्स को इनपुट करोगे, अगर आप कुछ अच्छी क्वालिटी के टायर्स यूज़ करोगे, तो पंक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको कम देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे पता है कि कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब सुन के मज़ा नहीं आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस समस्या का कोई सॉल्यूशन है नहीं। अब इस समस्या का एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि रॉयल एनफील्ड कंप्लीटली अपनी सिंगल चैनल एबीएस यूनिट वाली बाइक्स को बंद कर दे और डुअल चैनल एबीएस पे शिफ्ट कर जाए, तो आप सब अलॉय व्हील लगा सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इम्प्रैक्टिकल डिसीजन होगा, क्योंकि बहुत से लोग सिंगल चैनल एबीएस को ही आज भी प्रेफर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे भाइयों, आपको समझ आ गया होगा कि रॉयल एनफील्ड इस तरीके के अलॉय व्हील्स क्यों नहीं दे रही है, और मैं आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स को कंप्लीटली डिनाई करता हूं, क्योंकि बॉस ना कोई गारंटी है, गारंटी एज इन कि क्वालिटी चेक्स की कोई अश्योरेंस नहीं है, कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे सर्टिफाइड नहीं है, और कब आपकी जान लेगा, कब आपको नुकसान पहुंचा जाएगा, आपके फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचा जाएगा, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो आप सबसे एक ही गुजारिश है कि आपकी गाड़ी में सिंगल चैनल एबीएस में जो स्पोक व्हील्स आते हैं उनको यूज़ कीजिए, बहुत ही रिलायबल व्हील्स होते हैं।
सो विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर व्लॉग्स फॉर द डे. मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. गुड बाय.